गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पेपर टू का भारतीय शासन अधिनियम 1919 मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1919 विषय पर परिचर्चा करेंगे। क्यों इंट्रोड्यूस करा अंग्रेजों ने मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स? भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारतीयों द्वारा शासन के प्रति विरोध की शुरुआत हो चुकी थी और भारतीयों को विधायी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। उसके बाद 1892 में पुनः भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। फिर 1909 का मॉल्ले मिंटो सुधार, इसमें हालांकि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार उनकी शक्तियों की विस्तार थी, किंतु वास्तव में सारी जो शक्तियां थी वह अंग्रेजी शासन के हाथ में ही थी और उत्तरदायी शासन के नाम पर भारत के पास कुछ भी नहीं था। दूसरा, भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता इस आशा के साथ की थी कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत में संवैधानिक सुधार प्रारंभ की शुरुआत की जाएगी। अब तक कांग्रेस में उदारवादियों का जो प्रभाव था वो कम होने लगा था और उग्रवादियों का उदय हो चुका था। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत, कांग्रेस और लीग के अंदर लखनऊ समझौता भी हो चुका था। गांधी जी एक जन नेता के रूप में राजनीति में उभर चुके थे। इन परिस्थितियों में भारत में संवैधानिक सुधार की आवश्यकता को देखते हुए जो है 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा एक डिक्लेरेशन की गई, जिसको कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। यह उत्तरदायी शासन क्रमिक विकास द्वारा स्थापित किया जाएगा। उत्तरदायी शासन के विकास के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश शासन द्वारा किया जाएगा और प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग और स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ने भारत में अंग्रेजों का एक लक्ष्य घोषित कर दिया कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना है और 1917 की यह घोषणा भारतीय शासन में विकास के एक नवीन युग को प्रारंभ करती है। 1919 का जो रिफॉर्म्स थे ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्होंने भारत में जो है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात की और जो प्रांत थे उसमें डायार्की या द्वैत शासन की स्थापना की। हम उन 1919 के रिफॉर्म्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात थी कि 1919 के अधिनियम में अपनी एक प्रस्तावना थी, प्रीएम्बल था। इस प्रीएम्बल में वही बातें कही गई जो कि 1917 के मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में कही गई थी, जैसे ब्रिटिश जो भारत है वह ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है और उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। यह जो उत्तरदायी शासन है इसकी स्थापना क्रमिक ढंग से की जाएगी और इसकी स्थापना के लिए भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग और स्वशासित संस्थाओं का विकास किया जाएगा। खैर, हम इसके मेन फीचर्स की बात करें 1919 के अधिनियम के, तो 1919 के अधिनियम के प्रमुख लक्षण थे, पहला केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। 1919 के अधिनियम में हालांकि केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार और उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई, पर
गवर्नर जनरल और उसकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो अभी भी अनुत्तरदायी थे। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग के लिए किसी की सहमति लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, और इसी के साथ ही वह गवर्नर जनरल और जो उसकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वह केंद्रीय विधान परिषद के न तो सदस्य होते थे और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। तो एक्चुअल में केंद्र में जो पावर्स थी वो गवर्नर जनरल और उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास थी, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। दूसरी विशेषता जो थी वो थी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। निम्न सदन को केंद्रीय विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया। यह जो निम्न सदन था यह 144 सदस्यीय था, जिसमें कि 103 निर्वाचित सदस्य थे। जो अपर हाउस था उसे राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया। इस राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। दोनों ही सदनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता था। हालांकि यह जो मताधिकार था वह सीमित था, और यह जो मताधिकार था वह केवल जो धनिक वर्ग है उन तक ही सीमित था। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधान मंडल की शक्तियों में विस्तार किया गया। ऐसी व्यवस्था की गई कि विधान मंडल के जो सदस्य थे अब वह प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, साथ ही वाद विवाद आदि में भागीदारी जो है वो दे सकते थे, और अपनी जो आवाज है उसे गवर्नर जनरल के पास पहुंचा सकते थे। किंतु यह जो केंद्रीय विधान मंडल के सदस्य थे ये कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे उनको पद त्याग के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। बजट के संबंध में भी उनके पास जो थी सीमित शक्तियां थी। कुछ विधेयक जो है भारत मंत्री और गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों में संशोधन या परिवर्तन का अधिकार भी नहीं था। तो कहने का क्या मतलब है कि कुछ शक्तियां जरूर दी गई केंद्रीय विधान मंडल को, लेकिन एक्चुअल में जो थी सारी जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही थी। केंद्रीय जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। अब केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया। इसी प्रावधान के अंतर्गत जो है श्री तेज बहादुर सप्रू को पहला भारतीय कानून सदस्य बनाया गया। गवर्नर जनरल के पास अभी भी जो है वो अनलिमिटेड पावर्स थी। उसके पास व्यापक विधायी और कार्यकारिणी शक्तियां प्राप्त थी। विधायी शक्तियों के अंतर्गत वह केंद्रीय विधान मंडल की बैठकों को आहूत कर सकता था, उन्हें स्थगित कर सकता था और उन्हें विघटित भी कर सकता था। कार्यकारिणी शक्तियों के क्षेत्र में उसकी स्थिति सर्वोच्च थी। यह गवर्नर जनरल न तो विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी था और न ही विधान मंडल का गवर्नर जनरल पर कोई भी कंट्रोल था। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था 1919 के एक्ट का वह था प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिसे कि द्वैध शासन या डायार्की के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के एक्ट में जो है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई। प्रांतीय जो विषय थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया, रक्षित विषय और जिसको कि हम रिजर्व सब्जेक्ट कहते हैं, और हस्तांतरित विषय जिसे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कहा जाता है। यह जो रक्षित विषय थे ये गवर्नर के अधीन कार्यकारिणी परिषद के पास थे।
जो रक्षित विषय थे यह गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास थे, जिन पर की प्रांतीय विधायिका का कोई भी कंट्रोल नहीं था। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, हस्तांतरित सब्जेक्ट्स, यह निर्वाचित सदस्यों के पास थे, पॉपुलर मिनिस्टर्स के पास थे, जो कि प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। 1919 के अधिनियम में प्रांतीय जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के जो विधान परिषद थी उसके अंदर जो है 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्यों की बात की गई, जबकि जो अन्य प्रांत थे उनकी कार्यकारी परिषद में 2 में से 1 भारतीय सदस्य होने की व्यवस्था की गई। ये सदस्य जो थे ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत मंत्री की अनुशंसा पर नियुक्त किए जाते थे। 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों में भी वृद्धि की गई। बड़े प्रांत जो थे उनकी विधान परिषदों की संख्या जो है उसे अधिकतम 140 कर दिया गया, जबकि छोटे प्रांतों में इसे कम से कम 60 सदस्यों की जो की इसमें छोटे जो प्रांत थे उसमें कम से कम 60 सदस्यों की व्यवस्था की गई। जो प्रांतीय विधान परिषद थी उन्हें अधिक लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया गया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया और विधेयक को कानून बनाने के लिए जो है प्रांतीय विधान परिषद से विधेयक को पारित होना आवश्यक था और इसके लिए गवर्नर की स्वीकृति भी आवश्यक थी, लेकिन गवर्नर जो है उसे अस्वीकृत भी कर सकता था या किसी विधेयक को गवर्नर जनरल के जो है विचार के लिए भी रोक सकता था। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि प्रांतीय जो विधान परिषद थी उनके सदस्यों में वृद्धि तो की गई, लेकिन एक्चुअल में जो पावर्स थी वो गवर्नर के हाथ में थी और इन प्रांतीय परिषदों का गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। जो नियंत्रण था वह था पॉपुलर मिनिस्टर्स पर, जिनके की पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट, प्रांतीय विषयों में प्रांतों को स्वायत्तता। जो प्रांतीय विषय थे उसमें अब जो है प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। केंद्र और प्रांतों का बजट को अलग कर दिया गया और प्रांतों को टैक्स लगाने और लोन लेने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था 1919 के अधिनियम का वह था शक्तियों का विभाजन किया गया। चूंकि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो इलेक्टेड मेंबर्स को दिए गए, इसलिए इस अधिनियम में 2 सूचियों का प्रावधान किया गया, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची के जो विषय थे उनमें प्रमुख जैसे सुरक्षा, विदेश मंत्रालय संबंधित, रेलवे, डाक, तार, धार्मिक मामले, देसी रियासतें आदि, यह जो विषय था वह गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास था। केंद्रीय विषय जो थे वह नेशनल इम्पोर्टेंस के विषय थे और यह जो थे केंद्र सरकार के पास थे। प्रांतीय सूची के अंदर प्रांतीय विषय रखे गए जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जेल, स्थानीय शासन। यह जो प्रांतीय विषय थे यह जो है फर्दर डिवाइड किए गए रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड के अंदर। खैर, जो प्रांतीय विषय थे इनमें गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इसी के साथ साथ जो निर्वाचित मंत्री थे उनके पास जो है कानून बनाने का अधिकार था। हालांकि इसमें भी अल्टीमेट जो पावर थी वह गवर्नर जनरल के पास थी।
प्रांतों में भी जो है गवर्नर जनरल की अनुमति से ही केंद्रीय सॉरी गवर्नर जनरल के पास यह अधिकार था कि वे किसी भी प्रांतीय विषय को अपने हाथ में ले सकता था। हालांकि यह जो शक्तियों का विभाजन किया गया इसका आधार एक संघात्मक शासन व्यवस्था की बात थी, लेकिन वस्तुतः जो शासन स्वरूप था वह एकात्मक ही था। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हुआ, फिर भी जो एक्चुअल में जो पावर्स थी वह केंद्र सरकार के पास ही थी। 1919 के अधिनियम में भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। भारतीय नेता जो है लंबे समय तक इस इंडियन काउंसिल को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। हालांकि इस मांग को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इसके गठन के संबंध में कुछ परिवर्तन किया गया। अब इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाने लगा। इसमें जो है सदस्य जो होंगे उन्हें कम से कम 10 वर्षों तक भारत में सेवा का अनुभव होगा और भारत परिषद का कार्यकाल को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में नरेश मंडल की स्थापना की गई। भारत में देसी रियासतों का महत्व को देखते हुए 121 सदस्यीय नरेश मंडल की स्थापना की गई, जिसका की हेड वॉइसरॉय था। इस मंडल की स्थापना 1921 में की गई। 1919 के अधिनियम में जो है मताधिकार जो था उसे बढ़ाया गया, लेकिन इसी मताधिकार को बढ़ाने के साथ साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। 1909 में जहां मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, इस अधिनियम में मुसलमानों के साथ साथ सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन आदि को भी सांप्रदायिक जो है मताधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। इसमें सदस्यों की भर्ती, उनको पदों से हटाने व अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित किया गया। जहां तक हम 1919 के एक्ट का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करें तो यह जो एक्ट है इसके दोनों ही एस्पेक्ट थे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो इसने विधान परिषदों का विस्तार किया है। विधान परिषदों के विस्तार जो कि भारतीय नेताओं की बहुत लंबे समय से मांग रही है वह इस अधिनियम में स्वीकारा गया। स्वशासन और स्वायत्तता के लिए जो है विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इस विधान परिषदों के विस्तार से क्या हुआ कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना जो है वो जागृत हुई और वो अब अधिक स्वशासन की मांग करने लगे। मताधिकार का जो विस्तार है वह भी इसकी एक उपलब्धि है, क्योंकि अब जो है लोगों को मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का महत्व भी पता लगा। जो एक इम्पोर्टेंट फीचर था इसका 1919 के एक्ट का वह था प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन। द्वैत शासन के द्वारा इस एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन का जो है भारत में इसकी शुरुआत कर दी गई। हालांकि डायार्की के अपने बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट थे, लेकिन फिर भी जो एक शुरुआत जो है 1919 के अधिनियम में वह एक उत्तरदायी शासन और साथ ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात इसमें कही गई। इसके जहां तक हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जो केंद्र था उसमें अभी भी पूरी तरह से अनुत्तरदायी शासन था। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास अनलिमिटेड पावर्स थे और वह किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जहां एक और उन्होंने मताधिकार का विस्तार तो किया, लेकिन उस मताधिकार के विस्तार के साथ साथ सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार भी किया। अभी भी गवर्नर जनरल और इवन
प्रांतों में गवर्नर के पास व्यापक शक्तियां थी। हालांकि डायार्की को स्टैब्लिश किया गया, लेकिन डायार्की जो था वह अपने आप में ही एक दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, क्योंकि गवर्नर के पास व्यापक अधिकार थे। वह हस्तांतरित विषयों पर भी हस्तक्षेप कर सकता था, और इसी के कारणवश ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वह सफल नहीं हो पाई। और इसमें जो है मंत्रियों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन उत्तरदायित्व का अभाव था। इवन नौकरशाही जो शाही थी उसने भी मंत्रियों की उपेक्षा की। हालांकि 1919 के एक्ट में अपनी बहुत कमियां थी, लेकिन फिर भी भारत में जो है संवैधानिक विकास के लिए यह निसंदेह एक प्रगति का चिन्ह था, और इसने भारत में उत्तरदायी और लोकतांत्रिक स्वशासन का जो मार्ग है उसके लिए इनिशियल स्टेप रखे। इस अधिनियम द्वारा जिन व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया गया उनसे ही आगे चल के भारत में उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र और संसदीय शासन व्यवस्था का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ। और 1935 में जो ऑल इंडिया फेडरल काउंसिल की स्थापना हुई उसकी शुरुआत जो है इस एक्ट से हुई, और इसने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। थैंक यू।